हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गर्ल्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ड्यू टू कोविड आपकी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन मोड पर स्टार्ट की गई हैं, और कुछ यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, यानी कि फोर्थ यूनिट तक हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका था। तो आपकी फिफ्थ यूनिट में जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो आपको वीडियो के थ्रू आपको जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो हमारा जो टॉपिक है गर्ल्स आज है वो इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन भी हम इसको कह सकते हैं, यानी कि अगर हिंदी में इसको कहें हम तो एक तरह से अंतर गर्भाशी विकास मंदता इसको बोलते हैं। बच्चों देखिए, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे, ये पढ़ेंगे कि इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन क्या होता है और इसके जो है क्या कारण होते हैं। सबसे पहले तो इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन को जानना आवश्यक है कि इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या रिटार्डेशन जो है वो क्या है। देखिए, इसको इसका जो अर्थ होता है बच्चों, या इसके अगर हम इसके बारे में बात करें तो एक तरह से जो गर्भ में गर्भस्थ शिशु होता है उसके हम विकास के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या अंतर गर्भाशय विकास मंदता, यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है, गर्भाशय में होता है, तो उसकी जो विकास है उसका जो वो मंद होना, ठीक है, उसका जो ग्रोथ है वो कम होना। तो एक तरह से हम सीधे शब्दों में कहें तो एक तरह से जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो वृद्धि है, उसका जो विकास है वो सामान्य से कम होता है। देखिए, IUGR है, एक तरह से कब होता है कि जब गर्भ में, गर्भाशय में जो शिशु का विकास है वो सामान्य दर से कम होता है या फिर वो बढ़ने में सक्षम नहीं हो पाता है। साथ ही इसका मतलब ये भी है कि बच्चा जो है या तो अंतर्गर्भाशयी जो बच्चा है या अंतर्गर्भाशयी जो भ्रूण है वो विकास जो है वो अपेक्षा से उसका छोटा है। एक तरह से देखा जाए तो जो सामान्य वजन से अगर जो भ्रूण है वो 10% कम होता है तो इसका मतलब होता है कि इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि शिशु का विकास नहीं हो रहा है तो इस स्थिति को ग्रोथ रिटार्डेशन या इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी कहा जाता है कि जब शिशु का माँ के गर्भ में विकास नहीं हो पा रहा होता है तो इस स्थिति को ही हम इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या रिटार्डेशन कहते हैं, या फिर अगर हम हिंदी में कहें तो अंतर गर्भाशय विकास मंदता कहा जाता है। देखिए, जब बच्चे का जन्म फुल टर्म यानी कि 9 महीने, अब जो बच्चे का जो जन्म होता है वो 9 महीने बाद होता है तभी उसका विकास पूरी तरह से हो पाता है। ठीक है, लेकिन जो अंतर्गर्भाशय विकास मंदता होती है ये स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है बच्चों की जब बच्चा माँ के गर्भ में से पूरे 9 महीने के बाद जब जन्म लेता है तब भी ऐसी स्थिति होती है कि वो उसका जो वजन होता है वो सामान्य से कम रहता है। तो ये अंतर गर्भाशय विकास मंदता होती है, इसी के कारण जो होता है बच्चा 9 महीने के बाद भी जब जन्म लेता है तो उसका विकास जो है, उसका जो वजन होता है वो सामान्य से कम ही रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने जैसे कि प्री मैच्योर बर्थ के बारे में बच्चों मैंने आपको बताया था कि जन्म से पूर्व जो कभी कभी जो है समय से पूर्व बच्चे का जन्म हो जाता है, यानी कि 5th मंथ में, 6th मंथ में या 7th मंथ में जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसको प्री मैच्योर बर्थ कहते हैं। ठीक है, तब तो बच्चे का जो वजन है वो सामान्य से कम रहता ही है क्योंकि वो प्री मैच्योर बर्थ है। लेकिन जो इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होती है ये एक ऐसी स्थिति होती है कि इसमें बच्चा 9 महीने के बाद भी जो उसका शारीरिक वजन है वो सामान्य से कम ही रहता है। नेक्स्ट, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के 2 रूप माने गए हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। ठीक है, IUGR सिमेट्रिकल वाले शिशु के शरीर को का जो शरीर होता है वो नॉर्मल होता है लेकिन ये अपनी उम्र के शिशुओं से आकार में छोटे होते हैं, यानी कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो अगर दो बच्चों का वजन को अगर देखा जाए तो अपनी उम्र के जो शिशु होते हैं उनसे वो आकार में छोटा पाया जाता है। और एसीमेट्रिकल जो IUGR होते हैं उसमें शिशु का जो आकार है वो नॉर्मल होता है लेकिन शरीर नॉर्मल से ज़्यादा
उसमें छोटा पाया जाता है। और अल्ट्रासाउंड में इन शिशुओं का सिर जो होता है वो शरीर से बड़ा दिखाई देता है। गर्ल्स, अब अगर हम बात करें इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के क्या लक्षण होते हैं, तो जो कई महिलाओं को इस स्थिति के बारे में अल्ट्रासाउंड के दौरान ही डॉक्टर से पता चलता है, यानी कि जब 4 मंथ्स के समय जब अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें पता चलता है इसके सिम्टम्स के बारे में कि जो है जो गर्भ में जो भ्रूण है वो उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो रही है, ठीक है, या फिर डिलीवरी के बाद, कि कभी कभी जो महिलाएं होती हैं उनको डिलीवरी के बाद पता चलता है, जब उनका जब शिशु का विकास जो होता है, शिशु का आकार जो होता है, वो वजन जो होता है वो सामान्य से कम पाया जाता है, तब उन्हें पता चलता है कि वो इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के कारण है। तो अब ऐसे में भ्रूण में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो क्या हो सकते हैं, कि जैसे इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन वाले शिशुओं में कौन कौन सी ऐसी समस्याओं के खतरे ज़्यादा बने रहते हैं, जैसे कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम होना, यानी कि एक सिम्टम्स है कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उनके अंदर ऐसी कौन सी जो है समस्याएं उत्पन्न होती हैं, या कौन सी उनमें ऐसी कमी होती है कि जिससे हम लगा सकते हैं या पहचान कर सकते हैं कि वो जो है अंतर्गर्भाशीय विकास मंदता के शिकार हैं, जैसे कि ऑक्सीजन लेवल का कम होना। जो बच्चे जो है अंतर्गर्भाशीय विकास मंदता जिनमें होती है उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, उनका लो ब्लड शुगर रहता है और बहुत ही ज़्यादा उनकी लाल रक्त कोशिकाएं उनमें बनती हैं, साथ ही शरीर का तापमान संतुलित ना रहना, एफगार स्कोर का लो हो जाना। गर्ल्स, एफगार स्केल के बारे में हमने जो है क्लास में डिस्कस किया था कि एफगार स्केल एक ऐसा पैमाना होता है, एक ऐसा आकलन होता है जिसमें कि जन्म के बाद शिशु के स्वास्थ्य का जो है आकलन किया जाता है, ठीक है, उसके त्वचा का, उसकी मांसपेशियों का, संकुचन का, उसके जो है स्वास्थ्य का। तो एक अफगार स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिससे बच्चे की स्वास्थ्य की स्थिति का, कि बच्चा जो है वो स्वस्थ पैदा हुआ है और उसके जो है कौन कौन सी उसके ऐसे जो सिम्टम्स हैं जिसको हम ये आकलन कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो स्वस्थ है या फिर वो अस्वस्थ है। साथ ही शिशु को दूध पिलाने में दिक्कत का होना और नशे से संबंधित परेशानी होना, तो ये लक्षण अगर किसी भी शिशु में दिखाई देते हैं तो इट मीन्स वो अंतर्गर्भाशीय विकास मंदता का के कारण ही होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गर्ल्स, इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का इलाज, कि ऐसे कौन सा ट्रीटमेंट है जो इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन में बच्चों को ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है। देखिए, ये कारण के आधार पर इसका जो इलाज होता है वो कारणों के आधार पर किया जाता है, कि जब जैसे कि हमने बात की कि ये 2 टाइप्स का होता है, तो जब उनका रीज़न हमें जब कारण पता होगा तो उसके आधार पर ही जो है IUGR को ठीक किया जा सकता है। इलाज से पहले जो है डॉक्टर शिशु को मॉनिटर करते हैं, ठीक है, साथ ही शिशु के अंगों का विकास और नॉर्मल मूवमेंट देखने के लिए उनका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, उनकी हार्ट रेट चेक की जाती है और खून का प्रवाह देखने के लिए जो है वो डॉपलर फ्लो स्टडी भी उनकी की जाती है। एक तरह से यहाँ पर अफगार स्केल की भी बात करेंगे कि ये जो है अफगार स्केल है काफ़ी तक हद तक इसी का आकलन करता है कि जो शिशु के जो विकास है वो सही है या नहीं, अंगों का विकास है, उसका मूवमेंट, जो उसके मांसपेशियों का जो मांसपेशियाँ जो है उसकी सही से कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। साथ ही IUGR के कारण के तहत ही इलाज उनका किया जाता है। इसका जो इलाज है वो निम्न तरह से किया जाता है, जैसे कि आपने भोजन में पौष्टिक तत्वों की मात्रा को बढ़ा देना। देखिए बच्चों, जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, वो किसी बीमारी को, किसी भी विकास में अगर कोई बाधक तत्व है तो उसको पूरा करने के लिए जो है वो पोषक तत्व या न्यूट्रिटिव फूड जो होता है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले तो अंतर्गर्भाशीय विकास मंदता से पीड़ित कोई भी बच्चा है या शिशु है तो उसके भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाकर, ठीक है, उसके हम इस जो मंदता है उसके जो विकास में जो अवरुद्ध है उसको रोका जा सकता है। साथ ही शिशु को पर्याप्त पोषण मिल सके। अगर आप प्रेगनेंसी में कम खाना खाती हैं तो इस वजह से भी शिशु पर्याप्त पोषण पाने से वंचित रह सकता है। देखिए, 2 कारण हैं, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से उसका जो विकास है वो मंद होने लगता है। इसका कारण ये भी होता है कि कभी कभी जो होता है जो गर्भवती महिलाएं होती हैं
वो जो है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भावस्था के दौरान जो है उनका जो डाइट होती है वो कम होती है या फिर वो पोषक तत्वों का सेवन नहीं करती हैं। तो इसका जो इफेक्ट है, इसका जो प्रभाव है वो गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है, जिससे वह विकास मंदता से पीड़ित हो सकता है। साथ ही भ्रूण को स्वस्थ रखने के लिए माँ को बेड रेस्ट यानी कि पूरी तरह से आराम करने की सलाह भी दी जाती है। कुछ दुर्लभ मामलों में जल्दी डिलीवरी करवाने की भी जरूरत पड़ सकती है, या कुछ ऐसी दिक्कत आ सकती है कि कभी कभी जो है वो समय से पहले ही जो है वो प्रसव कराना पड़ता है। इससे डॉक्टर जो है IUGR से शिशु को कोई गंभीर नुकसान पहुंचने से पहले ही उसे गर्भ से बाहर निकाल लेते हैं। कि कभी कभी ऐसा भी जो है जो अंतर्गर्भाशयी विकास मंदता की पहचान जो है वो डॉक्टर जो है यानी कि जब प्रसव के दौरान जो है कि उसे गर्भ से बाहर निकालते हैं सिजेरियन में, जैसे कि ऑपरेशन के थ्रू जब बच्चा का जन्म होता है, तो ऐसे में डॉक्टर जो है वो उनको नुकसान पहुंचने से पहले ही वो उनका गर्भ से बाहर निकाल लेते हैं। साथ ही जब गर्भ में शिशु का विकास पूरी तरह से रुक जाता है या कोई गंभीर मेडिकल समस्या आ जाती है, तो इस स्थिति में भी डिलीवरी के लिए लेबर पेन शुरू करवाया जाता है। और आमतौर पर डॉक्टर भ्रूण में शिशु को जब तक हो सके विकास करने का समय देते हैं। देखिए बच्चों, स्वस्थ अगर शिशु की बात करें तो वो स्वस्थ शिशु एक तरह से पूरे 9 महीने जब गर्भ में माँ के रहता है तभी वो स्वस्थ उसका पूरा विकास होता है और तभी वो जो है स्वस्थ होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी जो है सिचुएशन आ जाती हैं कि जो है वो पहले ही प्रसव करा के बच्चे का जन्म कराया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी जो है विकास मंदता जो है वो हो सकती है। साथ ही जब गर्भ में शिशु का विकास पूरी तरह से रुक जाता है तो कोई गंभीर मेडिकल समस्या आती है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो एक तरह से शिशु को प्रसव कराकर शिशु का जो है जन्म वो कराया जाता है। तो गर्ल्स, आज हमने बात की अंतर्गर्भाशयी विकास मंदता के बारे में। एक जो है बच्चों के विकास, शिशु के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रहती है, क्योंकि अगर समय रहते अगर इस स्थिति का पता चल जाए तो काफ़ी हद तक हम बच्चों में होने वाली इस गंभीर स्थिति को रोक सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ही होती है कि माँ का स्वास्थ्य, साथ ही माँ का पोषक तत्व, गर्भावस्था के दौरान जो है अगर माँ अपने आहार का, अपने पोषण का महत्वपूर्ण ध्यान रखती है, पूरी तरह से ध्यान रखती है, तो काफ़ी हद तक इस अंतर्गर्भाशयी विकास मंदता को रोका जा सकता है। ओके गर्ल्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर।